कारीगर एवं प्यारे वीर साथियों, मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। आज ही के दिन वर्ष 1947 को हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। हम सब उन सभी महान क्रांतिकारियों के ऋणी हैं जिन्होंने आजादी के संघर्ष में अपने जीवन और प्राणों को न्योछावर कर दिया था। मैं उन समस्त वीरों को नमन करता हूं। हम सभी को बेहद कठिनाई एवं कुर्बानियों से प्राप्त इस आजादी की कीमत को समझना है और इसका पूरा सम्मान करना है। आजादी के इन 75 वर्षों में भारत विश्व पटल पर बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, परंतु भारत अभी भी बाहरी ताकतों, आतंकवाद, सांप्रदायिक शक्तियों से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। हमारे बल की गणना देश के सर्वश्रेष्ठ बलों में की जाती है। हिमवीरों ने सदैव अपने आदर्श वाक्य यानी अपना मोटो शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा को मूल मंत्र मानकर अपने दायित्वों का निष्पादन किया है तथा अपने कर्तव्यों के निर्वाह में कई हिमवीर साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज़ादी की इस पावन बेला पर हम सभी को देश की सुरक्षा, शांति, अखंडता कायम रखते हुए यह प्रण लेना चाहिए कि देश विरोधी बाहरी ताकतों एवं विघटनकारी ताकतों से हम डटकर सामना करेंगे। मैं खुशहाल एवं प्रगतिशील भारत की कामना करते हुए आपके एवं आपके परिजनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ महानिदेशक महोदय और अग्रिम चौक के सेनानी महोदय ने भी आपको शुभकामनाएं भेजी हैं और आशा प्रकट करता हूं कि आप आज़ादी के इस महत्व को समझते हुए शौर्य दृढ़ता और कर्म निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। भारत संपन्न हुई परेड निष्ठा की अनुमति चाहता हूं। श्रीमान मीडिया बंधु, आप लोगों को मुबारक हो। आपको भी